गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की बाल सभा एक्टिविटी हमारी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के बारे में। आज हम आपको बताएंगे 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन होता है, तो कल 23 जनवरी है और उसी के बारे में हमने आज ये बाल सभा एक्टिविटी बनाई है। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? हमारे ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर थे। उनके बारे में आज हम कुछ पढ़ेंगे कि उनका क्या योगदान था हमारे देश को आज़ाद कराने में। सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर। सुभाष चंद्र बोस थे बहुत महान इंडियन फ्रीडम फाइटर थे। फ्रीडम फाइटर कौन होते हैं? सबसे पहले आपको ये समझना है, फ्रीडम फाइटर मतलब जो अपने देश को या जहाँ पे भी वो रहते हैं उसको आज़ाद कराने के लिए संघर्ष करते हैं, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते हैं, फाइट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? फ्रीडम फाइटर। तो जब हमारा देश गुलाम था उस वक्त बहुत सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और देश को आज़ाद करवाया। सुभाष चंद्र बोस जी ये भी उनमें से एक फ्रीडम फाइटर थे, उनके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं क्योंकि कल उनकी क्या है, जयंती, उनका जन्मदिन है। नंबर टू, ही वॉज बॉर्न ऑन 23 जनवरी 1897 इन कटक ओडिशा। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, जो कि ओडिशा में है, वहाँ पे हुआ था। हिज फादर्स नेम वॉज जानकी नाथ एंड हिज मदर्स नेम वॉज प्रभावती देवी। उनके पिताजी का नाम जानकी नाथ था और उनकी माँ का नाम प्रभावती देवी था। ही वॉज पॉपुलरली नॉन एज नेताजी, और सब उनको नेताजी के नाम से बुलाते थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू कहते हैं, ऐसे उनका निक नेम जो था वो नेताजी था। नेताजी स्टार्टेड द न्यूज़पेपर स्वराज, उन्होंने स्वराज नाम के अखबार का प्रकाशन शुरू किया था जिसमें उन्होंने अपने देश के बारे में लिखा था। नेताजी फॉर्म्ड आज़ाद हिंद फौज, उन्होंने आज़ाद हिंद सेना की स्थापना की थी, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी एंड, और किसकी स्थापना की थी? इंडियन नेशनल आर्मी अगेंस्ट द ब्रिटिश, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ही रोड द बुक, उन्होंने किताब भी लिखी थी, द इंडियन स्ट्रगल 1920 to 1942। उन्होंने किताब लिखी थी, उसका क्या नाम था? द इंडियन स्ट्रगल, भारत का संघर्ष, कब से कब तक? 1920 से लेके 1942 तक, यानी कि अपनी गुलामी के दौरान का उन्होंने लिखा था कि मतलब किस तरह से लोग परेशान थे और अंग्रेज उन पर क्या क्या जुर्म कर रहे थे। हिज फेमस स्लोगन्स आर, उनके जो प्रसिद्ध नारे क्या थे? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मतलब उन्होंने देशवासियों को से अपील की थी कि तुम मतलब साथ दो मेरा और मेरे साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ो तो तुम्हें मैं आज़ादी दूंगा, अपना बलिदान दो और तुम्हें आज़ादी मिलेगी। और दूसरा उनका क्या नारा था? जय हिंद, मतलब हमारा हिंद, हमारे हिंदुस्तान की जय हो और दिल्ली चलो, मतलब हमारी जो दिल्ली है वही हमारा राजधानी, भारत की राजधानी जो है, उस वक्त अंग्रेजों का उस पे कब्जा था। और उसी की आज़ादी के लिए उन्होंने नारा दिया था दिल्ली चलो। नंबर 9, इट इज़ सैड दैट, ये कहा जाता है नेताजी डाइड ऑन 18 अगस्त, उनकी मौत 18 अगस्त को हुई थी 1945 में, इन ए प्लेन क्रैश, उनका जो हवाई जहाज था वो क्रैश हो गया था, ये कहा जाता है। हीज नेम विल ऑलवेज शाइन एज ए ग्रेट इंडियन फाइटर, और उनका जो नाम है हमेशा शहीदों के इंडियन फाइटर्स जो हैं, फ्रीडम फाइटर, उनके उसमें लिस्ट में लिखा जाएगा, हमेशा उनके बलिदान को याद किया जाएगा, उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत संघर्ष किया, तो आज हम उन्हीं को याद करेंगे उनकी जयंती पे। जय हिंद, थैंक यू।